चलो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड. आज सुना आपकी टेस्ट है, मजा आने वाला आपको आज. टुडे यू वुड बी अपीयरिंग फॉर द एमसीक्यू टेस्ट, राइट एवरीवन? इसके बाद कौन सी लेक्चर है होने वाली है आज, और उसके बाद सुपर्ब. आपको टेस्ट मिलेगी 75 मार्क्स के लिए, मिलेंगे 90 मिनट्स. थोड़ा सा एक मिनट से ज्यादा का वक्त मिलेगा आपको. ओके, 75 मार्क्स, 75 एमसीक्यूज, 90 मिनट्स. ओके, हाँ सही है मित्रों. एक बार इसको ऑन कर देता हूं. लेक्चर ऑन है, चालू. ओके, आपके लिए आज क्लास आना ओके था? आदत डाल दो. There's no excuse, guys. Sometimes you have to attend on Sundays also. Huh? Yes, sir. कितने संडे आते 6 महीने में? 15 तो संडे बेकार होंगे आपके. बेकार होंगे मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आपको थोड़ा सा पढ़ना. इनिशियली आपको संडेज को छुट्टी दी जाएंगी इनिशियली, बट लेटर ऑन यू नो have to work on Sundays also, right? Because you know what, itna sara revision lete, itna sara practical dikhana, it takes time. To isliye fir kya hota hai ki agar chutti denge to aapko fir fatafat padhao, khatam karo. It's better, you know, you take time, enough time. Sundays ko aapki bahut sari test organize hoti hai, to test aapko dena padti hai. है ना, तो ऐसे होता है. तो अब फर्स्ट मंडे से सैटरडे तक पढ़ेंगे, संडे टेस्ट होगी, तो आपको भी वो रहता है कि जस्ट मेक श्योर आप सैटरडे नाइट को पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो, संडे को आप टेस्ट दे रहे हो, है ना. इस तरह का स्केड्यूल आपका होते रहेगा, ताकि टेस्ट होना जरूरी है. आप पढ़ते हो अलग चीज़ होती है, पर टेस्ट हैज गॉट सोन इम्पॉर्टेंस. ओके, आज मैं आपको एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. क्या बोला मैंने? कॉम्पिटेटिव. दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो अभी तक कॉन्सेप्ट हुए हमारे, इफ यू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, कैन आई रिकॉल वन कॉन्सेप्ट जिसका नाम था, देखते आपको याद है. एसबीयू कितने लोगों को याद आ रहा है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. अगर आपका बिजनेस सिमिलर में है क्या डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, तो आपको एसबीयू लगेगा. एसपीसी को एसबीयू, हल्दीराम को एसबीयू, जनरल मोटर को एसबीयू, आईटीसी को, टाटा को, बिकॉज दे आर हैविंग because they are into so many different business. जैसे ITC आप जानते हो कि वो tobacco में भी है, साथ साथ में hotels में भी है, साथ साथ में IT में है, FMCG में, और एक बंदा इन सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता. That's why you need what? Multiple people to manage the same, multiple people to manage different kind of business. अच्छा बताओ, जो लोग SBU करते हैं उनके तीन characteristics होते हैं जो आपने लिखे भी थे, क्या आप वो याद कर सकते हो? तीन. नंबर वन, उनके सबके मैनेजर अलग होते हैं, उनके सबके कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं, और तीसरी बात, रिलेटेड जो होते हैं वो एक एसबीयू में आते हैं, अनरिलेटेड अलग एसबीयू में जाते हैं. एवरीवन कम ऑन. अगला सवाल, एनसॉफ्ट के चार बच्चे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वॉलमार्ट एप्पल इंडिया में आया तो क्या हुआ? मार्केट डेवलपमेंट हुआ. एचयूएल ने नया सोप लाया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ. मारुति ने नई कार लाई, और दोस्तों सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट थोड़ा सा चेंज करके आपने कुछ लाया, और प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन. आप बोलेंगे लेस का नया फ्लेवर आया तो पेनिट्रेशन. आपको ऐसा लग रहा है आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे से याद हो गया सब कुछ, हाँ ऐसा मस्त बोल रहे थे फ्लो में. लेट्स टेक इट और गाइस, देखते हैं इसका नाम क्या है. आप दोस्तों आपके सामने आ रहा है एक्सपीरियंस कर्व, जरा चेक कर लेना दोस्तों ये क्या सीन है. आपको याद आएगा ये एक्सपीरियंस कर्व गाइस, मोर द एक्सपीरियंस लेस द, जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतनी कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम 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 कम. दोस्तों आपसे सवाल पूछेंगे, इसके एग्जांपल आपको याद होंगे तो बता सकते हैं. हीरो होंडा एंड बजाज, जिन्होंने एक्सपीरियंस कर्व की वजह से अपनी कॉस्ट पर यूनिट को बहुत, कैन यू प्लीज टेल मी सम ऑफ द रीजंस ड्यू टू व्हिच कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड इन द लॉन्गर रन.
आपका वेस्टेज कम होता है, आपकी बल्क बाय बढ़ जाती है, आप ऑटोमेशन करते हो, आप बल्क बाय करते हो, आप सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो, आपकी ब्रांड नेम बढ़ जाती है, मार्केटिंग का कॉस्ट घट जाता है, एक्सेट्रा। आपको लगता नहीं इतना ज्यादा जब कोई इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस आ जाता है, इट हैज गॉट एन इंपैक्ट ऑन योर द बैरियर्स ऑन द न्यू एंट्रेंस। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आपको लगता नहीं न्यू एंट्रेंस के लिए खतरा है ये? नए एंट्रेंस लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे? क्यों आ नहीं पाएंगे? क्योंकि ये लोग इतना सस्ते में बेचते, इतना सस्ता कैसे कोई बेच पाएगा? फिर नए लोग आएंगे महंगे में बेचेंगे, उनका बिकेगा नहीं। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट हमने कहा था, बताओ आपको याद है, SWOT, क्या आप जानते हो SWOT क्या है? SWOT आप बताएंगे दोस्तों, आप सभी ने वो पढ़ाई है, SWOT तो सभी का हो गया राइट? इसमें दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा इंटरनल से आता है, एक बच्चा एक्सटर्नल से आता है, रिमेंबर दिस। अब बात कर रही हूं दोस्तों मैं एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्पल के एम्प्लॉइज क्या है, उसका इनोवेशन क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं किसी के साथ में, और दूसरे से जुड़ते नहीं ढंग से। आजकल स्मार्टफोन का क्रेज बढ़ रहा है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या है, अगर मैं सवाल पूछूंगा आपसे, बताओ कि एप्पल का जो प्राइस ज्यादा है वो उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस हो रही है? सैमसंग, वीवो, ओप्पो, अंदर की अच्छी बात, बाहर की अच्छी बात, अंदर की खराब बात, बाहर की अच्छी बात, बाहर की अच्छी बात। कैसा चकमा दिया हमने, आई नो आप क्या बोलने वाले थे, आई प्लेड। ओके गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अच्छे एम्प्लॉयज है तो क्या, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है तो क्या, मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास अच्छे एम्प्लॉयज है तो क्या, और उनके पास अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है तो क्या? एक सवाल पूछता हूं, मैकडी के मॉडल, मैकडी का कारोबार पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, मैकडी आजकल बहुत सारा वेस्टेज कर रहा है, मैकडी पता है क्या कर सकता है? आज के लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस हो रहे, बर्गर नहीं खाएंगे। अच्छा, उसके लिए KFC क्या है, क्यों उसको वीकनेस बोल दो सर? एक तो पहली बात बाहर की है और वो खराब है, बाहर मतलब दो ही ऑप्शन है, OT और खराब है, नेट राइट। ओके गाइस डन, अब बढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है, एक हमने पढ़ा था, और बताओ कौन सा पढ़ा था, कोर कॉम्पिटेंसी, डू रिमेंबर इट, कोर कॉम्पिटेंसी एवरीबॉडी। यानी कि दोस्तों आपके पास एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है विच इज डिफिकल्ट टू कॉपी। बुर्ज खलीफा एग्जांपल और देंगे, बताएंगे दोस्तों, अमिताभ बच्चन KBC के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर कॉम्पिटेंसी और बताएंगे। हाँ, एप्पल की जो टेक्नोलॉजी वो कोर कॉम्पिटेंसी, वॉलमार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इतनी यूनिक है जो लोग देख सकते हैं पर कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो आपके DNA में है, वो आपके फंडामेंटल जीन्स में है। अमिताभ बच्चन का जो एटीट्यूड है, कई लोग देखते हैं उनकी मूवी पर ऐसा एक्टिंग नहीं कर पाते, बिकॉज वो आपके बॉडी के अंदर है। कोई भी कंपनी का कोई ऐसा फीचर जो बहुत आसानी से कॉपी कर ले, आसानी से कॉपी कर ले, आसानी से कॉपी कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, उसको कोर कॉम्पिटेंसी नहीं कहेंगे। आप यूनिक है, आप में कुछ अलग फीचर है, लोग उसको जल्दी से कॉपी है, इमिटेट। बुर्ज खलीफा हाइट देखा है, लोग सिर्फ देखकर आते, कोई बना नहीं सकता, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी है। आज मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पर ले जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा दर्द होगा। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा मैं कोर कॉम्पिटेंसी तो नहीं पढ़ा रहा, आज आपको मैं कंफ्यूज करूंगा। पर कंफ्यूजन होने से पहले मैं आपको रोक दूंगा, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आज मैं पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा डाउट ही आएगा, सर आप ऐसा लग रहा कोर कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हो, ऐसा आपको लगेगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, कॉन्सेंट्रेट लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी ना? अरे बोल दो ना भाई। मैं आपको ले जाता हूं, मैं आपको
कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पढ़ा रहा हूं. सुनो ध्यान से, बुक में विस्तार में बता दूंगा. ये मेरे पास पेज नंबर 3.24 यहां पे लिखा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मैं बताऊंगा आपको बुक में जाके. पहले सुनो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर परफॉर्म कर रहे हो, अल्पीट, आप आपके कॉम्पिटिटर से अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कस्टमर उनको छोड़कर आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, तो समझ जाना आपके पास कॉम्पिटिटिव. आप सभी ने इंडिगो एयरलाइंस के बारे में सुना है, सुना है? किसने ट्रैवल किया है इंडिगो एयरलाइंस में? इंडिगो में घूमे हैं? इंडिगो में कहां से आई आप? इंडिगो में कश्मीर. आप कश्मीर से हो? अच्छा, आप घूमने गए थे. ओके, आप कहां से? देहरादून गए थे इंडिगो में. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको मुझे जवाब देना है. भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी कौन सी? एयर इंडिया. यहां पे आप लोगों ने एग्जांपल दिया एयर इंडिया का, ये लोग कह रहे इंडिगो. मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सही बोल रहा है. और मुझे ये दुख के साथ में आप सभी को बता रहे हैं, आपका नॉलेज बहुत ही वाहियात है. आई मीन इट्स रियल बेसिक थिंग, यू डोंट इवन नो हु इज बेस्ट इन एयरलाइंस इन इंडिया. एंड द बेस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया एंड दिस अवार्ड गोज टू इंडिगो. और बताएगी मुझे व्हाई आई एम सो डिसअपॉइंटेड, यू नो व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये निकल एक तरफा जीत है, एक तरफा. इसका मार्केट शेयर इज मोर देन 55% इन इंडिया. 100 में से 60, 55 से 60 जो हवाई जहाज है वो इंडिगो के उड़ते हैं. अगर मान लो 10-20 का फर्क होता ना, मुझे बुरा नहीं लगता आपके नॉलेज के ऊपर. यहां पे अनडाउटेडली वो नंबर है, अनडाउटेडली बोलते ना एक तरफा. और आप लोगों को यह भी जानकारी नहीं है. हाँ, I didn't like it, baby. Come on, guys. आपको बहुत आगे जाना है जीवन में, बहुत पढ़ना है. ऐसे नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इंडिगो एयरलाइंस. मैं काम करता हूं, मैं आपके आपको बताता हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली एयरलाइंस कौन सी. बच्चों, मैं अगर आपको यहां ले जाता हूं, मैं मार्केट शेयर ऑफ, मुझे बाइक्स नहीं चाहिए, एयरलाइंस कंपनीज इन इंडिया. ओ गाइस चेक इट आउट. ओ व्हाट इज दिस, वन साइडेड. इसके और देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है. वन साइडेड मार्केट दोस्तों, कम ऑन चेक इट आउट. इंडिगो एयरलाइंस 55% मार्केट शेयर. 100 में से 55 लोग जो उधर सफर करना चाहते हैं ना. ये भी 2022 का है, 23 में तो और भी ज्यादा हो गया. और बाकी सब देखो, स्पाइस जेट 10%, एयर इंडिया. कौन बोला था रे एयर इंडिया? व्हाट द शक दोस्तों. स्पाइस जेट 10%, एयर इंडिया 9.7%, गो एयर 9.5, विस्तारा 8%, एयर एशिया 5.7. छोटा. आज मेरा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो एयर 10-10%, सब लोगों से ज्यादा कौन चल रहा है? अगर इंडिगो का परफॉर्मेंस उसके कॉम्पिटिटर से अगर अच्छा है ना, मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कुछ तो बात है जिसकी वजह से लोग सारी एयरलाइन को छोड़ कर इंडिगो के साथ घूमना चाहते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. वैसे आपको पता है इंडिगो एयरलाइंस के पास में क्या अच्छा है? सर, हवाई जहाज तो हवाई जहाज है, उसमें क्या अच्छा बुरा है? दोनों भी हवा में जाते हैं, दोनों भी उड़ती है, दोनों में भी एयर होस्टेस है.
ऐसी क्या बात होगी उसमें, कुछ अलग है प्राइसिंग ओके वर्ल्ड्स मोर बेटा। एयरलाइन में क्या सर्विस की उम्मीद करते हो? नहीं मैंने बोला, मैं से पूछा ना ऐसा क्या है? क्या सर्विसेज आपको लगता है जिससे प्रभावित होते होगे लोग? बेबी अच्छा पलटा है, ठीक है ना। इंडिगो एयरलाइंस की सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो है उसकी पंक्चुअलिटी। अगर फ्लाइट आने का बोला है तो आएंगी जरूर, और उसी टाइम पे उड़ेंगी जरूर, उसी टाइम पे आपको लैंडिंग कराएगी। बाकी एयरलाइन में ये मैंने बाकी सब में जाना मैंने छोड़ दिया है। स्पाइस जेट गो एयर बोलती कुछ भी है, करती कुछ भी है। We are sorry to inform that this flight is getting delayed by 30 minutes only. Please, आपका cooperation बना रहे, धन्यवाद। अच्छा, 30 मिनट हो गए, आगे नहीं हो, waiting for it, okay? 30 minutes. Sorry, due to weather, bad weather condition, we think that there's a further more delay from क्या नाम है spice date. We expect your cooperation. अभी वो कब आएगी हमें भी पता नहीं। अरे क्या कर रहा हूं, मेरे अगले मीटिंग स्केड्यूल है, मुझे बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, मेरे अगली मीटिंग के हिसाब से थोड़ी ना चेंज होगी। ये तो बेवकूफ बना दे रहे मुझे खड़े खड़े, और ऐसी जगह पे बाहर भी नहीं निकल सकता एयरपोर्ट पे, अंदर ना किसी लायक नहीं बचा हूं मैं, ना किसी और उड़ान से उड़ सकता हूं, ना ये नहीं आ रही, कहीं और के पास जा नहीं सकता। इनकी प्रॉब्लम है पंक्चुअलिटी, दूसरी प्रॉब्लम है प्राइसिंग, और तीसरी बात किसी ने कहा था यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट्स। इंडो के पास में बहुत फ्लाइट है, और कौन सा ट्रैक चाहिए इंडिया में आपको, किधर भी कोपचे से कोपचे में। अभी मैं हाल ही में शिट मैं अपने जिंदगी का सबसे छोटा एयरपोर्ट देखा होगा, सबसे छोटू सा। कहां गया था मैं गया था आई रिसेंटली हैड गॉन टू मैं गया था उत्तराखंड में नैनीताल, और वहां पे नैनीताल के बाजू में एक एयरपोर्ट आता है। कोई है क्या उत्तराखंड से कोई लाइव स्ट्रीमिंग में, कौन सा एयरपोर्ट है रे वो दिस समथिंग क्या एयरपोर्ट? अरे भाई वहां पे पूरे दिन में दो ही फ्लाइट आती, एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है बस स्टैंड से भी छोटा। मैं टेंशन में आ गया, ये कैसे होगा? फ्लाइट जनरली 150-200-300 लोगों की होती है, पहली बार मैंने फ्लाइट देखी 50 लोगों की, वो अपनी वॉल्वो बस है ना उससे भी छोटी। मैं बैठ तो गया, मुझे समझाया मैं भगवान के नाम लेता था, भगवान ने इसको उड़ा भी देना, और बिकॉज आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा देख के। ये अच्छा एयरलाइन है ओ या, पर वो भी इंडिगो की थी। इंडिगो ने जो काम किया ना इंडिया में ऑसम, वन साइडेड काम किया है उनका, जो स्ट्रेटजीज है आई मीन अगर मैं आपको पूछूं इंडिगो का स्ट्रेटजीज क्या है, इंडिगो आखिर किस वजह से इतना फेमस हुआ है। सो दोस्तों इंडिगो का जो है उनकी जो काबिलियत है वो है डिफरेंट ट्रैक्स। ऐसा कोई ट्रैक नहीं छोड़ा इंडिया में आपको, आपको यहां से दिल्ली जाना ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट इंडिगो की मिलेगी, कोलकाता जाना है इंडिगो। इंडिगो ने देखो कोई राजस्थान से कहां से बड़ा जयपुर बीकानेर जोधपुर से मारवाड़ी आवे थाने पाली से, मैं भी पाली से दोस्तों, बेसिकली मैं भी पाली से हूँ। पर दोस्तों हम लोग जोधपुर जाते हैं यहां से, पहले पता था क्या करना होता, आई हैड टू गो टू बॉम्बे टू कैच द फ्लाइट। अभी हाल ही में 10 दिन पहले पुणे जोधपुर चालू है, और चालू किया इंडिगो ने, क्रेजी है वो। यहां से रांची जाना तो इंडिगो से जाना, नहीं तो दूसरी फ्लाइट क्या बोलती, बॉम्बे आओ वहां से उड़ाएंगे, मतलब मैं यहां से पागल जैसा कार में जाओ कहां पे है बॉम्बे में, फिर 4 घंटे घलाऊ, फिर वहां से उड़ू, यहां से उड़ा दो ना यार रांची में, यहां से उड़ा दो, कितना मेरा टाइम से होगा, कितना मेरा टाइम से होगा। ये इंडिगो करता है। इंडिगो में कुछ बात है जो उसने जो रूट्स कंट्रोल किया ना, रूट्स पूरे इंडिया के, मतलब आपको काफी जो बड़े बड़े शहर आप जिनको मानते हो लगभग सारी जगह पर इंडिगो ले जाता है आपको। इंडिगो दूसरी बात है पंक्चुअलिटी।
तीसरी बात है प्राइसिंग, ये तीन चार वैसे वो कह रहा, बस बताओ ये कोर कॉम्पिटेंसी क्यों नहीं है। हाँ किसी ने बोला है सर पंतनगर, सही बोला बेटा आयशा, थैंक यू सो मच, मैं खुद भूल गया था वो पंतनगर था, वो जो मैं बोला था नैनीताल के पास में, कसम से कह रहा हूं मैं, वेरी स्मॉल एयरपोर्ट इट वॉज। आपको पता है एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ओ बच्चो इंडिगो एयरलाइंस का इतना मार्केट शेयर ज्यादा है ना, तो कुछ तो उसमें बात है ना, जो यूनिक है ना, तो उसकी क्या यूनिकनेस है, वो टाइम पे आता है ना, उसकी बहुत सारी जगह पे फ्लाइट उड़ती है ना, उसकी प्राइसिंग भी कम है ना, आप मुझे बताओ ये कोर कॉम्पिटेंसी है या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्यों कोर कॉम्पिटेंसी क्यों नहीं, यूनिक नहीं है? ए चिंटो यूनिक ने तो क्या है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये ऐसी यूनिक चीज है, अगर कोई दिल लगा दे कोई चाल है ना तो इसको आसानी से। एयर इंडिया किसका पता है कि अब टाटा का है, टाटा बोलता है 5 साल में इंडिगो को पछाड़ नहीं देना इंडिया में, मेरा नाम रतन टाटा नहीं, एयर इंडिया उसका हो गया, बता ना रतन, इट बिलोंग्स टू रतन टाटा। अभी देखो कोई चीज जो कॉपी हो सकती ना वो एप्पल, रतन टाटा नहीं बोल रहा, 5 साल के अंदर एप्पल जैसा फोन बना दो, बना के बताओ, नहीं बना सकते ना, वो चीज ही अलग है। क्या लाना है, पंक्चुअलिटी लाना है ना, लेकर आ जाएंगे, और क्या चाहिए, ज्यादा उड़ाने उड़ाना है, इसलिए रतन टाटा ने ऑर्डर किया है। आप जानते हो रतन टाटा ने ऑर्डर किया है, किसको ऑर्डर किया, रतन टाटा एयर इंडिया इंडिया डील ऑफ फ्लाइट्स बाय, मैंने क्या लिखा है पता नहीं, गूगल भी कंफ्यूज है मैंने क्या लिखा उसको, 1000, मैंने सच में इतना वाहियात दिया फिर भी दिया बेचारे ने कुछ, तो क्या लिखा है, विथ रिकॉर्ड ऑफ 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर, दोस्तों 4 से 5 साल में रतन टाटा के एयर इंडिया में 470 एयरक्राफ्ट आ रही है। क्या करेगा आके, आके आतंक मचाएगा इंडिया में, 5 साल के अंदर जब एयरक्राफ्ट आ जाएंगे ना, कितने भी ले, सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं, $80 billion ओनली, ज्यादा पैसे नहीं, $80 billion में आ जाएगी सारी, वर्थ $80 billion, यानी कि कितना पैसा हो रहा है सर, ऐसे सवाल मत पूछो, $1 billion का पैसा बताओ पहले, $1 billion नहीं 8000 करोड़, 8000 करोड़ को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 6,40,000 करोड़ के एयरक्राफ्ट इंडिया में आएंगे, 6,50,000 करोड़ के एयरक्राफ्ट इंडिया में लाएंगे, और फिर आने के बाद में इंडियो की बजाएंगे, फिर तब बोलेंगे अलग रूट, अलग रूट, पूरे 400 फ्लाइट हवा में उड़ेगी बस, पूरे इंडिया में लोगों को इधर से उधर ऐसा ले जाएंगे ना, जितनी बसेस नहीं होंगी उतने एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे, 400-500 लोगों को उड़ाएगी, इतने बताओ इतनी फ्लाइट्स होगी, इंडिया के स्टेशन ही है कि एयरक्राफ्ट है कि एयरपोर्ट है कितने, 200 एयरपोर्ट है, 200 एयरपोर्ट में से उड़ाते रहो इधर उधर, अवेलेबिलिटी कितनी, बहुत ज्यादा, तो एक पंक्चुअलिटी खत्म हो जाएगा, रूट्स खत्म हो जाएगा, रतन टाटा प्राइसिंग तो लेकर आएंगे बराबर से, ये चीज है कॉपीएबल। आज तक आपके पास में जो चीज है यूनिक है मानते हैं, इंडिगो यूनिक है मानते हैं, पर कभी ना कभी कॉपी हो सकते हैं, अगर वो कॉपीएबल है तो कहलाया जाएगा कॉपीटिव एडवांटेज, इजीली इट कैन बी कॉपीड। मैं आपको इधर लेके जाऊंगा, एक अच्छा एग्जांपल है, कितने लोग मैगी ट्राई किए हैं, मैगी मैगी खाए हो, एवरीडे यू ईट, एवरीवन, कितने लोग हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, कितने लोग रात में भूख लगने पर खाते हैं, क्यों बाकी कुछ मिलता नहीं उस समय, कितने लोग अलग से मैगी की अलग से भूख लगती है, अलग से रखते हैं ना, मतलब खाना होने के बाद में आपको लगता थोड़ा सा मैगी तो आई जस्ट कैन यू नो,
मैगी मैगी कितने लोगों ने एशियन पेंट के बारे में सुना है? ओह वाओ, यू नो एशियन पेंट आल्सो, सुपर्ब। आप जानते हो कितने लोगों ने वो सुना है? एशियन पेंट का मार्केट शेयर जानते हो? मैगी का जानते हो? आओ, मैगी क्या बनाता है? साठ परसेंट जोक है, मजाक है। अपने कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर जब कोई हमारे पास आ जाए, 40% में पूरा मार्केट है। दो चार नूडल्स के नाम बता रहे हैं, और यप्पी टॉप रेमेन बाबा के नूडल्स पतंजलि के नूडल्स। I'm so sorry guys, बाबा बोलने की आदत है, बाबा के नूडल्स आप जानते होंगे। कौन सा बेटा? वाई वा वाई वाई कैसा रहता हूँ? नहीं ना बेटा, वाह। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जो नूडल्स है ना, नूडल्स उसमें सबसे ज्यादा चलने वाला ब्रांड है 60% मैगी है और बाकी सब थोड़ा थोड़ा सा ब्रांड है। ऐसी कुछ तो बात है मैगी में कि लोग दूसरे नूडल्स को छोड़ के मैगी के पास आ जाते हैं। अरे आते ना अभी तो कुछ तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ऐसा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सुनो अभी सुनो, ध्यान सुना, कोई भी ऐसी यूनिक चीज जो लोग आसानी से कॉपी कर लेना तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, पर बहुत ही आपके डीएनए में फंडामेंटल, मतलब उसको कॉपी करना। अभी अमिताभ बच्चन की आवाज कैसी कॉपी कर, अरिजीत को कैसे कॉपी कर लोगे आप, धोनी का एटीट्यूड कैसे कॉपी कर लोगे आप, बुर्ज खलीफा कैसे बना दोगे आसानी से, एप्पल जैसा इनोवेशन लाना पॉसिबल ना। अगर लाना होता तो फिर अब तक तो ला ही होता ना भाई, 20 साल से इंडिया में मोबाइल फोन चल रहा है, अब तक क्यों नहीं आया? आप बताओ मैगी का जो ये फॉर्मूला है, अब ये अगर आसानी से कॉपी हो जाए, मतलब कोई चाहता तो कॉपी हो जाए, तो आप कहेंगे फिर ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। पर आपको लगता नहीं सर, ये कुछ इसके जो मसाला जो जो पाउडर आती है ना ऊपर से, ये कुछ ऐसी है, उसका टेस्ट जो है वो ऐसा है, आपको ऐसा लगता है जो जीवन में कभी कॉपीज नहीं हो सकता, तो फिर उसको कोर कॉम्पिटेंसी में डालना है आपको, फैसला आपका है। अरे बोलो आप क्या बोलोगे, आपको लगता वो नहीं अलग ही है? अरे मैगी खाया हो ना, ऐसे क्या देख रहे हो आप बताइए, मतलब वो यू थिंक इट कैन बी कॉपीड इजीली? या इट कैन बी कॉपीड, या इट कैन बी कॉपीड। आने वाला वक्त बताएगा कि वो कोर कॉम्पिटेंसी है कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। आज हम इस घड़ी में नहीं बोल पाए कि अभी तक तो लगता है कि किसी ने कॉपी नहीं किया, बट यस इट कैन बी कॉपीड ऑल्सो अगर कोई बुद्धि लगा दे, बट एज ऑफ नाउ नोबडी हैज नोबडी गॉट द सक्सेस टू कॉपी द फॉर्मूला बिकॉज समथिंग डिफरेंट। तो अभी के लिए तो वो कोर कॉम्पिटेंसी भी हो सकता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, डिपेंड करता है कि वो कित अलग है। मानते सब लोग अलग तो है ना, दुनिया का हर कोर कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, हर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। क्या बोला, समझा गया? हर अलग चीज कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती, अलग हो सकती है, लोग आसानी से कॉपी कर ले, तो दुनिया का हर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंसी। पर क्या कोर कॉम्पिटेंसी से आपको एडवांटेज मिलता है क्या? Obviously, अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसी है तो आपके से यूनिक, तो आपको एप्पल को कोर कॉम्पिटेंसी हाँ है टेक्नोलॉजी, तो क्या वो क्या हो रहा है, उसको कॉम्पिटिशन में आगे जाने का मौका मिल ही रहा ना, समझ रहा है कि नहीं? बुर्ज खलीफा के पास में, खलीफा में आपको लगता नहीं कुछ अलग है? हाँ अलग है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा ना, बाकी होटल से ज्यादा उसकी उसकी पॉपुलरिटी ज्यादा है। दुनिया की सर FMSM का बैच कब तक होगा, मतलब क्या सवाल है, चालू कब होगा कि खत्म कब होगा? विजय बैच के लिए गुरुकुल अवेलेबल है? हाँ जी अवेलेबल है, आप अभी से आ सकते हो, अभी आ जाओ आप गुरुकुल में, अभी से भी आ सकते हो। FMSM का बैच कब तक होगा, क्या सवाल है, कब तक होगा मतलब क्या, ये सारे कोर्सेस साथ में हो जाएंगे आपके?
आपको ये समझना है कि 5 से 5.5 महीने में आपका पूरा इंटरमीडिएट का कोर्स खत्म हो जाएगा, आखिर के 3 महीने आपको पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे, पूरा सिलेबस हो जाएगा बेटा 5.5 महीने में, पूरी तरह से सारे सब्जेक्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे। और अब तो एक ग्रुप देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? एक ग्रुप तो कोई, अभी ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म है, अभी ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, अब तो देना तो दोनों ही है ना, क्यों? वैसे भी दोनों ग्रुप देंगे तो आप पास ही नहीं हो सकते, देना तो दोनों ही है, और दोनों से ही तो काम चलेगा, सेट ऑफ भी मिलता है दोनों से, एक में आपके 140 आ गए और दूसरे में 160 है, तो पास है ना आप। और कैसा है अभी क्या है ना, सब्जेक्ट भी 6 ही है, अब 6 सब्जेक्ट में अगर सोचो 3 ही सब्जेक्ट करना है अगर आपको, तो 2-2.5 महीने में खत्म हो जाओगे, और एग्जाम 8.5 महीने बाद है, आपको लगता है आपकी लिंक रहेगी सिलेबस से? 2.5 महीने में सिलेबस हो गया और 6 महीने आप वेट कर रहे हो मेरे एग्जामिनेशन आएंगे, आप पागल हो जाओगे? बोले 6 महीने तक क्या करूंगा 2.5 सब्जेक्ट के साथ में? आपको तो देना दोनों ग्रुप ही है, 4.5-5 महीने में कोर्स खत्म करना है, 3-3.5 महीने में पढ़ना है, और जब हम लोग क्लास में रहते तब भी टेस्ट होती है, रिविजन हो जाती है, तो 3 महीने आज वेरी मच सफिशियंट फॉर द स्टडीज ऑफ बहुत, वो तो दिमाग से थॉट ही निकाल दो आप, और वैसे भी एक ग्रुप पास है कि क्या उखाड़ लो, कुछ काम का तो है नहीं हो, क्यों? बिकॉज आपकी आर्टिलशिप तो स्टार्ट होना ही नहीं है, पहले कैसा था ना, एक ग्रुप पास करके आर्टिलशिप चालू हो रही थी, तो इसलिए कुछ फायदा तो था उसमें, तो वो सोचना ही नहीं है बेटा। हर रोज 6 होंगे या 4 होंगे उसका टेंशन मत लो, 5.5 महीने में सब खत्म हो जाएगा। गुरुकुल की फैसिलिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, हाँ एडवांटेज है, अभी फिलहाल एसपीसी का जो गुरुकुल है पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, एक्सक्लूसिव है, जब तक एक कॉपी नहीं होगा तब तक क्या हो जाएगा, तब तक एक तब तक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई बना नहीं सकता, ये कोई एप्पल का टेक्नोलॉजी नहीं जो मेरे पास है, मैंने बहुत हसीन सुंदर बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छा दिखता है, वास्तव में 3 स्टार प्रॉपर्टी जैसा है, अभी तक किसी भी स्टूडेंट के लिए ऐसा हॉस्टल नहीं है, पर जरूरत नहीं कि वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं, मैं बोल रहा ना नहीं, क्योंकि वो रिलायंस कल्चर के सोचेगा बना दो गुरुकुल जैसा, वो अभी तुरंत बनाए खड़े खड़े, पर रिलायंस टाकर भी एप्पल नहीं बना सकता, पर जब तक वो चीज मेरे पास है, जब तक वो कॉपी नहीं करता, वो मेरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, तो अभी गुरुकुल मैंने लिखा है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, किसी को रहना है अच्छी जगह पर रहना है, सब सीएस के साथ में एक साथ में रहना है, माहौल को जीना है, तो उसके लिए तो इंडिया में ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या हो गया उसका नाम क्या हो गया, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। हाँ जी यार, तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो यार, अभी मैं पढ़ा लेता हूं, मुझे ये बताना था आपको, था एक सीमेंट है जिसका नाम है अंबुजा, आप अडानी को सुने हो? अडानी ने हाल ही में कौन से 2 सीमेंट कंपनी को एक्वायर किया? 2 बोला मैंने, क्या अडानी ने इन दिनों में कोई सीमेंट को एक्वायर किया था? हमको पता नहीं, आपको बोलना तो बोलो, नहीं रहन दो, रोज आके दिमाग मत खराब करो, ये मालूम है क्या हमको? नहीं मालूम तो तुम्हारा क्या, वैसे भी जिंदगी चल रही ना, मालूम हो गया क्या उखाड़ लेंगे, अच्छा है एक दिन मेरे शब्द याद आएंगे, अच्छा है रहो ऐसे ही। अंबुजा को एक्वायर किए, एसीसी को एक्वायर किए, नाम तो सुना होगा गौतम अडानी, अडानी सीमेंट, सीमेंट एक्विजिशंस, चेक इट आउट गाइस, अडानी ग्रुप्स बिकम्स इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर। किसको एक्वायर किए? $6.4 बिलियन में, नहीं 50,000 करोड़ डाल दिए, एक्वायर किसको किया? अंबुजा और उसकी सब्सिडरी एसीसी, दोनों को एक्वायर किया उन्होंने। पता है आपको अडानी सेकंड लार्जेस्ट हुआ, तो क्या आप मुझे बता सकते फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा? अगर यह बता दिया ना सीमेंट में सबसे अच्छा कौन है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप रोज टीवी पे देखते हो, ना 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 ना, ऐसे सुना है? हाँ घर ही क्या रहे, और नाम सुना उसका? अल्ट्राटेक। कौन से सीमेंट को जानते हो इसमें से किसको? अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा। श्री सीमेंट, डालमिया भारत,
दोस्तों 30% मार्केट शेयर लेके बैठा है, बाकी सबको 9-9%। इसका मतलब कुछ तो बात है अल्ट्राटेक में, क्या आप कह सकते हो अल्ट्राटेक में कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? अरे बोलो यार, अरे कुछ तो बात है, इसलिए लोग एसीसी को अंबुजा को छोड़ के अल्ट्राटेक के हो रहे। अगर आप आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हो, इसका मतलब आपके इसमें है कॉम्पिटिटिव। जानना होगा कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही है या कोर ही है, हमें झांककर देखना पड़ेगा क्या अलग है इनमें। अगर वो ऐसा अलगपन है जो दुनिया में कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है, तो उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का नाम हम लोग क्या दे देंगे? अभी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, पर हो सकता हो सीसी भी हो। कैसे? वो देखना पड़ेगा भाई, तेरे पास अलग क्या है। वो ऐसा अलगपन होगा जो कॉपिएबल ना हो, तो फिर कहेंगे वो सीसी है, कोर कॉम्पिटेंस। अभी फिलहाल क्या है? अब एक तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बोल सकते हैं और कोर कॉम्पिटेंस। मतलब कब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही रहेगा सिर्फ? हाँ, जब वो अलग है, पर कुछ सालों में ही कोई कॉपी कर लेगा, कुछ दिनों में ही कोई कॉपी कर लेगा। एग्जाम्पल दू क्या? ऑसम एग्जाम्पल देता हूं। आपके शहर में अस्पताल है, याद करो, है बड़ा, जहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स का मिलकर काम चलता है। अस्पताल बोल रहा हूं, क्लिनिक नहीं बोल रहा हूं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, पुणे हॉस्पिटल, ऐसा होता ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लिनिक्स, ओके, आई एम टॉकिंग बिग हॉस्पिटल्स। बताओ उस हॉस्पिटल में कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्टर का कलेक्शन होता है, सेट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं। मैं आपको, कोई औरंगाबाद से है यहाँ पे? आप है औरंगाबाद से? औरंगाबाद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम था कमल नयन बजाज, और दूसरा एक हॉस्पिटल है सिटी केयर हॉस्पिटल। इन्होंने क्या किया, वहां से कमल नयन बजाज के पास जो डॉक्टर्स का सेट था, 10 डॉक्टर को उठा के कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट। डॉक्टर्स को दी बड़ी बड़ी ऑफर्स। वो कमल नयन बजाज की स्पेशलिटी क्या थी? उनके डॉक्टर्स का बड़ा फेमस डॉक्टर का सेट था उनके पास में, मतलब हर चीज में अच्छे अच्छे डॉक्टर थे उनके पास में। तो वैसे डॉक्टर किसी के और के पास में थे क्या? उनके पास ही थे, इसलिए उनके पास में क्या था, बहुत भीड़ उनके पास जाती थी पहले, वहां जाती थी। तो कब तक भीड़ जाती थी? जब तक वो डॉक्टर्स थे, तो उनको मिल रहा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सिटी केयर ने उनको बड़ा चेक दिया, आ जाओ मैं आपको बहुत पैसा देता हूं। सारे डॉक्टर्स उठ के पूरा उधर से खाली हो इधर आया, अगले दिन से पेशेंट उधर बंद इधर चालू, खड़े खड़े खत्म। क्या बोलेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? क्या समझा है ना आपको? वो चीज अगर लॉन्गिट्यूडी में आपके साथ नहीं, कभी भी आपसे जुदा हो सकती है, तो उसको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहना, कोर कॉम्पिटेंसी ना कहे। आपने सुना होगा चाय वाला, एमबीए चाय वाला, यौले चाय वाला। आजकल चाय वाले के बहुत ब्रांड बन गए हैं, चाय सुट्टा बार, ग्रेजुएट चाय वाली। नया तूने कहां से मिले चाय वाली? चाय वाली जब तक उसका पेटेंट है, और कुछ दिनों में वो पेटेंट खत्म होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जब तक वो पेटेंट है। अभी नहीं कर सकता ना, कुछ सालों में हो ही जाएगा ना, पेटेंट का भी टाइम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं क्या, सैमसंग आजकल एक फ्रिज बना रहा है, आओ मैं आपको दिखाता हूं, आपके सवाल का ऐसा सटीक जवाब देता हूं। क्या नाम है आपको बताइए? प्रिया। जरा देखो, मैं आपको सैमसंग का एक फ्रिज दिखा रहा हूं, फ्रिज इसको बोलते हैं सैमसंग का फ्रिज का क्या नाम है उसको, बहुत फैमिली हब नाम का एक उनका वो बना हुआ है, एक फ्रिज है क्या ये, कबर्ड है भाई, इट्स वेरी बिग फ्रिज, 950 लीटर का फ्रिज है। 950 लीटर तो बहुत हो गया रे। पता है उन्होंने क्या किया, ये ऐसा अनोखा फ्रिज बनाया, सुन के लेना ध्यान से, जल्दी सुनना, अभी थोड़ी देर में आप बताना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कोर कॉम्पिटेंसी। इसके ऊपर उन्होंने टैबलेट लगा दिया, और यहां पे ये जो टैब लगा है ना, आज तक किसी भी फ्रिज में ऐसा टैबलेट नहीं है, मतलब पूरा कंप्यूटर लगा दिया है, कंप्यूटर स्क्रीन है, ये वाईफाई से जुड़ता है। और अब मान लो मम्मी किचन में काम कर रही है, मम्मी को लगता है बीच में कुछ वो रेसिपी देखना चाहती है, तो यहां लगा दो, रेसिपी लगा दो, मम्मी तो खाना बना रही इधर देख रही है, या मम्मी को लगता है कुछ तो उनको प्रवचन सुनना है,
कुछ तो कुछ सुनना है, भगवान का सुनना है, कुछ गाने सुनना है, धार्मिक कुछ सुनना है, लगा दो, गाने भी चलते हैं, यूट्यूब भी चलता है, सब चलता है, एंड्रॉइड कनेक्टेड होता है वो। अभी तक किसी भी फ्रिज के पास ऐसा नहीं है, इसलिए फ्रिज बहुत बिक रहा है, इसका आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ स्टॉक है। अभी तक किसी भी ब्रांड में ऐसा नहीं है, एलजी में भी नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? कोर कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? क्यों कोर कॉम्पिटेंसी क्यों नहीं है? अरे सर आप क्या बात कर रहे, 6 महीने में सारे फ्रिज में आ गए, ये इलेक्ट्रॉनिक वाले हौले लोग हैं, एक ने लाया ना सब लेकर आते हैं, बताया ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक ये टीवी में आया सब टीवी में आता, उनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज 2-4 महीने 6 महीने तब तक वो इतना मजे में लेते ना, पूरा मार्केट का जूस निकाल लेते। 6 महीने तक कोई और नहीं लाएगा, 6 महीने तक ये फ्रिज इतना आग लगाएगा, फिर उसको क्या, एक बार वो कॉपी हुआ, फिर सैमसंग अब ढूंढा, अब क्या नया लाए, अब क्या नया लाए, फिर और नया लाएगा और 6 महीने तक वो एंजॉय करेगा। ऐसे होता मोबाइल फोन में भी, मोबाइल फोन कहा गया मेरा फोन, वो आता ना आईफोन में 3 कैमरा लाए, अब अकेला आईफोन में नहीं है, आईफोन ने 3 लाए, सैमसंग बोला 5। चाइना का एक कंपनी है, उन्होंने बोला 5 क्यों, 7 बनाएंगे। गए आपके लग गए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सा तो ड्रॉबैक है, इट इज देयर ओनली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, इट इज गोइंग टू गेट कॉपीड इन द लॉन्ग रन। अरे पर फ्यूचर में कॉपीबल है, आज दिख रहा है आपको ना, तो फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो दुनिया में कोई नहीं आपके हिसाब से। वो बोल रहे फ्यूचर में कॉपी होगा ना, आज नहीं हो रहा है ना, 1 मिनट रुकिए मुझे बात करना है बेटा। वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ही है तो ऑब्वियसली आपके पास ही, वो किसी और के पास में नहीं है। बट इफ यू थिंक इट विल बी कॉपीबल इन द नियर फ्यूचर, देन इट इज जस्ट ओनली कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। बट यू थिंक इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, किसी के अंदर दम नहीं कॉपी करे इसको, तो कोर कॉम्पिटेंस है लॉन्ग टर्म। यार कम ऑन, मोबाइल देखो, कोई कोई मोबाइल में आपको नया नया फीचर दिखता हो, किसी और में दिखता है। एक एग्जांपल दूंगा, बड़ा वियर था, डर्टी एग्जांपल है, चलो वो नहीं बोल सकता, दूसरा देता। वो मेडिकल का प्रोडक्ट है, नहीं बात करेंगे, दूसरा बात राधे राधे हरिओम, बोलो राधे राधे, राधे, राधे। हरिओम। भगवान जो भी थॉट्स आते हैं उसको माफ करना, थॉट नहीं सिर्फ एग्जांपल ही था और कुछ नहीं, आप बाद में अकेले में महसूस कर लेना, मैं तब तक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक। आजकल पता है क्या, मैं मेरा घर बन रहा था ना, मैं वहां पे वो लेने गया, वो शॉप में वॉश बेसिन और शावर और उसमें कमोड भी था एक। कभी आपने सोचा है एक कमोड कितने लाख रुपए का हो सकता है? बड़ा भैया डर्टी एग्जांपल, ये भी सुन के लिखना मत कहीं पे, सिर्फ सुन लेना। कमोड 25 लाख रुपए का, मैंने कहा गांव में घर बन जाते 25 लाख में। यू विल नॉट बिलीव इट, यू नो, मतलब आपको लगे ये 25 लाख में क्या। भैया कमोड 2000 में भी मिलता है, 2000 रुपए बाजार में, नॉन ब्रांडेड कंपनी का। अब बोले सर 25 लाख में, मतलब होता क्या होगा उसमें? अरे क्या सुविधाएं होगी उसमें, मतलब व्हाट इज देयर, मतलब है तो बड़ी बेकार चीज पर उसमें सुविधाएं क्या है? यू वोंट बिलीव, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मतलब आप जस्ट शट अप, आप जितना सोचोगे ना उतना गंदा होगा। आप बुद्धि का प्रयोग ना करें, सिर्फ सुने जो मैं कह रहा हूं, इट विल बिकम वेरी घटिया टाइप्स। ओके अभी मतलब उसमें बिना मैंने बोला, फिर बता भैया बताई दो 25 लाख में, मैं भी जाना चाहता हूं 25 लाख में होता क्या होगा इसमें। तो उसमें क्या है ना कि जनरली बड़ा बेकार सा एक्सप्लेनेशन है, जनरली कुछ नहीं होता, पर मुझे बोलना है, नहीं बोलना मुझे, बिकॉज सो डर्टी टू एक्सप्लेन ऑल्सो, राइट। बट थोड़ा सा बताना चाहता हूं, उसमें क्या है ना, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे और सबसे बड़ी बात, यू नो, एक्सप्लेन करने को भी थोड़ा सा, मतलब अब जब कोई लड़के को एक्सप्लेन कर, तो लड़का चाहिए ना सेल्स पर्सन, और वो सेल्स पर्सन लड़का नहीं, लड़की एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब भाई अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है वो जो बोल रहे हैं, मैंने सर जान दो धंधा है, सुनना पड़ेगा। तो बोल रहे कि सर देखो इसमें ऑटोमेशन है। तो मुझे हाउ सर भाई इसमें ऑटोमेशन क्या होगा? बोले तो वो क्या बोलता है कि सपोज कोई
फर्स्ट यूजर चला गया तो जो सेकंड यूजर जब आएगा तो यू डोंट हैव टू टच, उसमें क्या है नॉन टच वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि यू डोंट हैव टू टच एनी ऑफ द डिवाइस देयर। आपको आपके हाथ कहीं पे गंदे नहीं करना, आपको ऐसा नहीं वो प्रेस भी नहीं करना है या आपको फ्लश भी नहीं करना है, इट इज एवरीथिंग, वो सेंस है पूरा उसके अंदर। तो पूरी तरह से अगर कोई फर्स्ट यूजर जा रहा है तो उसके अंदर इतना सिस्टम है तो एवरीथिंग विल बी क्लीन, बहुत हाइजीन टाइप का है, मतलब आपको लगेगा कि एज इफ कोई काम वाली बहन ने साफ करके आपके लिए सजा के दिया है। बिल्कुल फर्स्ट यूजर गया, सेकंड को आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यू नो एज इफ यू आर यूजिंग सम यूज्ड टॉयलेट। ओके, तो इट इज सो ऑटोमेटिक वहां पे, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, मतलब आपको मुझे बड़ा अजीब लग रहा है पर पता नहीं मैं क्यों एग्जांपल दिया है, शिट अगली बैच में नहीं दूंगा यार, राधे राधे माफ करना, अगली बैच में कभी एग्जांपल नहीं दूंगा, मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करते आ रहा है। और उसमें क्या है ना, उसमें एक प्रॉब्लम, उसमें एक प्रॉब्लम है, आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आपको, बिकॉज वो क्या करता है आपको कहीं टच नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गो एंड स्टैंड देयर, वो आपको सेंस करेगा, फिर वो सेंस करके वो पूरा सिस्टम चलाएगा, इट मे टेक अनदर 3-4 मिनट्स ऑल्सो। तो मतलब तब तक कांड हो सकता, सुनो मेरी बात, यू हैव टू वेट, आई मीन 3-4 मिनट, वो सिस्टम ऑटोमेशन है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो अपना काम कर रहा है, आप बोलेगा मुझे ऑटोमेटिक है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम बिकॉज यू कांट टच एनी ऑफ द थिंग्स, राइट, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, वो सेंस कर रहा है, और उसकी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसलिए है बिकॉज कोई कॉपी नहीं करा है अभी तक, वो कॉपीबल हो सकता है पर जब तक वो चीज सिर्फ उनके पास ही है, वो बोलता है ये किसी भी और ब्रांड में नहीं है अभी, इसी हमारे ब्रांड ने लाया। मैंने क्या क्या फीचर लाया आपने, मैंने कहा ऐसे फीचर लाऊंगा ना अपने घर पे तो पापा मम्मी जूते से मारेंगे, बोलेंगे हलकर इतना तो काम खुद कर ले, ये भी काम लोगों से करवाएंगे अब भाई। ऑटोमेशन के नाम पे हर चीज, अपन भारतीय लोग हैं, अपन ऐसी इतका हलगर्जी बना नहीं पाए, यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन, राइट, कम ऑन। हेलो, ऑटोमेशन ठीक है, वी लव ऑटोमेशन, बट दिस इज नॉट लाइक, मैंने बोला भाई साहब आपने मैडम क्या एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, आई एम हाईली इंप्रेस्ड बट आई एम सो सॉरी। मैंने कहा कुछ चीजें मैं अपने आप से करना पसंद करूंगा, ये नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टच दिस, हर चीज में ऑटोमेशन मत लाओ, ठीक है। एनीवेज गाइस, आप आगे जाएंगे, वो था उनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बिकॉज अगेन व्हाई इट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बिकॉज वो कभी भी कॉपी हो सकता है। सी एप्पल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, पर वो ऐसा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो जल्दी से कॉपी नहीं हो सकता, इसलिए वो कोर कॉम्पिटेंसी भी बन जाता है। आपको समझ आ रहा है, मैं आपको ले जा रहा हूं ऐसी जगह पे जिसका नाम है एशियन पेंट, एशियन पेंट शेयर मार्केट शेयर, वन साइडेड है भाई, अलग लेवल का है ये एशियन पेंट, 50% मार्केट शेयर चलता है, कितनी कलर की कंपनीज है, एक दो नाम बताओ, वो कौन सा बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो नाम का भी है ना, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक। अरे आजकल तो वो ऐड आता है एशियन पेंट का, बड़ा ऑसम ऐड है, तुमने सुना है क्या, वो रणबीर कपूर ऐड करता है उसकी, अरे सुनो अभी ऐड सुनते, एड ऑफ एशियन पेंट, हाँ यार शिट गलत प्रेस हो गया, एशियन पेंट उस्ताद मेरे उस्ताद, लीकेज का कुछ तो करो, दामन पे लग गया दाग, छत पे केमिकल वाटर प्रूफिंग तो कराई थी पर किस्मत दिया झांसा, उस्ताद मेरे उस्ताद, शरबत में मिला दिया चूना, देखो इस छत की मजाल, केमिकल वाटर प्रूफिंग में फिर से पैसा डूबा, बना इज्जत का मालूदा, इस साल छत पे एशियन पेंट्स का डैश प्रूफ लगाया, लीकेज को हमने सबक सिखाया, उस्ताद उस्ताद ने नहीं डैम प्रूफ ने दी है मात, बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ, 80504 80504 कॉल करो। इसने उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बताया, अगर सुना होगा तो ओवरऑल ये लगाने से आपको अलग से वाटर प्रूफिंग नहीं करना पड़ती, यानी लीकेज का नहीं, अगर कलर मान दो वही अपने आप में वाटर प्रूफिंग है,
और इसका दूसरा है कि पानी में कुछ खराब नहीं होता, ड्यूरेबिलिटी तो उसकी कुछ अलग बात है। और जिसके से आप भी जानते हो कि हर कोई इंसान को कोई कलर में कोई ब्रांड पता हो ना हो एशियन पेंट, क्योंकि कुछ तो, और दैट इज व्हाई आप 50% मार्केट शेयर लेके अलग बैठा, कुछ तो बात है ना, इसके से लोग वहां जा रहे हैं। तो आज हमने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के कई एग्जांपल, प्लीज राइट डाउन द एग्जांपल गाइस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के एग्जांपल्स प्लीज राइट डाउन। Example number one, guys, come on. The market share of Maggie. Market share of Maggie, kitna hai? Maggie 60%. Indigo Airlines, again, around 60, likho, around 60%, 55 to 60. Teesra example. Bolo, teesra kaun sa? Asian Paint, 50%. Ultratec. Are kya Ultratec? थर्टी परसेंट भाई, आपका जो मार्केट शेयर है आपकी किससे ज्यादा होना चाहिए? आपके कॉम्पिटिटर से आपका मार्केट शेयर यदि ज्यादा है, इट मींस यू आर हैविंग, देखो, इफ इफ योर परफॉर्मेंस इज सुपीरियर, इफ योर परफॉर्मेंस इज क्या बोलेंगे, सुपीरियर देन योर व्हाट, इफ योर परफॉर्मेंस इज सुपीरियर देन Your competitor, बोलो आगे क्या, हा, then you are having some competitive advantage, you are having some competitive advantage, because performance of Indigo is a superior, because performance of Indigo is superior than other airlines like, other airlines like, bolo kaun si companies hai, Air India, SpiceJet, Vistara, Go Air, एक्सेट्रा, बिकॉज, बोलो बिकॉज क्या, बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स पंक्चुअलिटी, नंबर ऑफ रूट्स कवर्ड, नंबर ऑफ रूट्स कवर्ड एक्सेट्रा। अभी कुछ तो बात है, अब इसको एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ही रहेगा अगर वो अगर जल्दी से कोई कॉपी करेगा, और जो कॉपी नहीं कर पाए वो, इसलिए मैं आपको देखो यहां पे पहले तो आपके बुक में मैं आता हूं, पहले ये पढ़ लेता हूं, एक मिनट दर ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है। मैं क्या पढ़ रहा हूं आपको, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पढ़ा, दिख रहा है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पेज नंबर 3.24, इधर देखना क्या लिखा है। मैडम दो मिनट का टाइम है, अब आई ना वेरी प्लीज, यहां पे लिखा है व्हाई डू सम कंपनी सक्सीड व्हाइल अदर्स फेल, कुछ कंपनी आगे जा रही है कुछ पीछे, जैसे कि गो एयर बहुत पीछे जा रहा है, इंडिगो बहुत आगे जा रहा है। व्हाई डिड हिंदुस्तान मोटर्स डू सो वेल फॉर सेवरल डेकेड्स, हिंदुस्तान मोटर ही ज्यादा चल रहा है। हाउ डिड एप्पल रिटर्न फ्रॉम नियर ऑब्सोलेसेंस, वो ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे देखो इंडिगो का एग्जांपल तो आईसीए ने भी दिया हुआ है, हाउ हैज इंडिगो एयरलाइंस मैनेज टू कीप इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यूज, आगे बढ़ते हैं। फॉर मोस्ट इफ नॉट ऑल कंपनीज अचीविंग सुपीरियर परफॉर्मेंस, यानी आपका परफॉर्मेंस लोगों से बेहतर है रिलेटिव टू राइवल्स, राइवल से राइवल यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स से आपका परफॉर्मेंस ज्यादा है, इज द अल्टीमेट चैलेंज। If a company strategy is result in superior performance, it is said to be what? अगर आपकी अगर आपका परफॉर्मेंस आपके कॉम्पिटिटर से बेटर हो रहा है, आपका मार्केट शेयर ज्यादा है, आप कस्टमर आपको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप में कुछ तो, अरे कुछ तो, अरे बात नहीं, आप में कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।
SM involves development of competency that manager can use to achieve better performance and competitive advantage for their organization. Competitive advantage allows firm to gain an edge over. क्या लिखा है? अगर आपके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है तो आप आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस. मैगी के पास क्या है? उसका मसाला है जिसकी वजह से मैगी बाकी नूडल्स से कंपैरिजन में ज्यादा चलती है. एशियन पेट में कुछ तो बात है जिसकी वजह से बाकी पेंट से वो. अरे भाई आज की तारीख में अगर कंपटीशन में सर्वाइव करना है ना आपके पास तो कुछ तो अलग होना चाहिए. अगर आपके पास भी वही है आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जो है तो लोग आपके पास भी क्यों आएंगे? ऐसी क्या बात है? आप में और में कोई फर्क नहीं तो व्हाई पीपल विल गो क्रेजी अबाउट यू? सी लोग सबको छोड़कर आपके पास आ रहे, मतलब कुछ तो बात है. जैसे अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आज के तारीख में अगर इंटरलॉक की बात कर जो अंकिता मैम पढ़ा रही है, and I'm very humble and proud to say she is teaching the maximum number of students of Indian law. मतलब जितना रिकॉर्ड हमारे पास है तो जैसे अगर मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एसपीसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कौन पढ़ाता है? अंकिता मैम. हम सारे टीचर्स में सबसे ज्यादा आगे कौन है? अंकिता मैम. यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियोस किसके चलते आगे? तो कुछ तो बात है कि जो उनके लॉ में बाकी लॉ से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ तो अलग बात है. ड्यू टू विच शी इज गेटिंग अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. वो तो धीरे धीरे आप क्लास जब करोगे आपको समझेगा कि यार कुछ तो अलग बात है. दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग द वे शी इज टीचिंग. हमारे यूट्यूब चैनल की सबसे बड़ी बात है हमारे जो टॉप 10 वीडियोज जो है उसमें से 9 वीडियोज अंकिता मैम के. तो वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, कुछ तो बात है. अगर आपके पास कुछ ऐसी बात है, हर ब्यूटी इज यू नो वॉन्ट जी, शी इज मेकिंग कॉम्प्लेक्स लॉ सब्जेक्ट इन टू द सिंप्लीफाइड मैनर. और ना किसी वो देंगे आपको समरी बना, जैसे जिन्होंने फाउंडेशन से पढ़ा है, एक समरी बना के ऐसा कर देंगे ताकि आप सारा लॉ आपको याद हो गया, आपको लॉ घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं. तो दैट इज द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. गेटिंग इट? आगे यहां पे क्या लिखा है? ये देखो एक पॉइंट जो आपको लिखना है. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अलाउ फर्म टू गेन एन एज ओवर एन एज. यानी कि आपका परफॉर्मेंस किससे बेटर हो रहा है? लिखिए वहां पर. इतना लाइन अंडरलाइन करो जो मैं कह रहा हूं. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अलाउ फर्म टू गेन एन एज ओवर. अब एक काम करना, आप इसके ठीक नीचे एक साइड में लिखो कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिखो वर्टिकल फॉर्मेट में वर्सेस कोर कॉम्पिटेंसी. मैं आपको इसका डिफरेंस बता रहा हूं, आपको देखते से समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं. बहुत ही बेहतरीन डिफरेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना. आपको एक ही लाइन है जो समझा देगी. इधर देखना कमाना कॉन्सेंट्रेट. अब देख लेना क्या लिखा है. सुपीरियरिटी इट प्रोवाइड्स द टेम्पररी कौन मतलब है? फ्यूचर में किसी ने सैमसंग का वो कॉपी कर लिया तो वो 6 महीने में कोई ना कोई तो लेके आएगा. इट प्रोवाइड सस्टेंड इट विल रन इन द लॉन्ग रन. समझा क्या लिखा है? लिखो यहां पर आपने लिखा है ना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जल्दी से लिखो, टाइम नहीं है. ओके आप लिखेंगे, आप कहां पे लिख रहे हैं? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, और इधर लिखेंगे कोर कॉम्पिटेंसी. वहां पे लिखेंगे इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के नीचे लिखो इट प्रोवाइड्स टेम्पररी सुपीरियरिटी. इट प्रोवाइड्स क्या लिखा? टेम्पररी सुपीरियरिटी. एग्जाम्पल लिखो सैमसंग का फ्रिज, क्या नाम बोला था अपने उसका? सैमसंग फैमिली हब फ्रिज. क्या था उसके अंदर अलग? टैबलेट. क्या कॉपीबल है क्या? yes. हाँ कोई भी कॉपी कर सकते. यहां पे क्या लिखोगे बताओ? इट प्रोवाइड्स क्या लिखा है? इट प्रोवाइड्स कमान इट प्रोवाइड्स व्हाट? कमान एवरीबॉडी सस्टेंड, यानी टाइमिंग नहीं, बहुत सालों तक चलेगी. सस्टेंड हो सकता जीवन भर कोई कॉपी ना करे आपको. इट प्रोवाइड सस्टेंड सुपीरियरिटी. एग्जाम्पल
एप्पल टेक्नोलॉजी, एप्पल फोन की टेक्नोलॉजी। एक बार जरा एक लाइन और लिखेंगे, इधर देखना, कॉन्सेंट्रेट करना। इट डज नॉट अमाउंट टू श्योर 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 सक्सेस। इट डज नॉट अमाउंट, बोल रहा ये श्योर सक्सेस क्यों नहीं है? बिकॉज एक दो महीने तक वो चलेगा, बाद में कोई कॉपी करे तो आपका सक्सेस क्यों लग गई? यहां पर लिखा है इट अमाउंट टू श्योर सक्सेस, ये श्योर शॉट। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ये अगर है ना, ये अगर आपके पास में आ गई ना, मतलब आपका तो मतलब आपके वारे नारे हो जाए जिंदगी में, क्या आने से आप बहुत आगे जाओगे? जो जीवन भर कोई कॉपी, मतलब बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी। लिखो यहां पे श्योर सक्सेस फॉर्मूला, किधर लिखोगे? अरे किधर लिखोगे? कोर कॉम्पिटेंसी में। और इधर क्या लिखोगे? नॉट अमाउंट टू श्योर सक्सेस फॉर्मूला इन द लॉन्ग रन। हाँ यहां पे देखो, एक देखो 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 ना, आप सक्सेस मिलेगा दो चार महीने के लिए, बाद में, अरे बाद में क्या, अरे भाई एक दो साल तक इंडिगो मजे कर रहेगा, बाद में वो आएगा ना टाटा अपनी फ्लाइट लेके, तो बोलेगा यार अब तो कुछ मजा नहीं आ रहा, बिकॉज अब तो टाटा भी लेके जा रहा है, बिकॉज उसको जो काम करना हो क्या है, टाइम पे फ्लाइट लाना है ना, वो तो लेकर आ जाएगा, सब जगह पे इंडिया में उड़ाना, तो फ्लाइट मंगवा ही लिया उसने। तो यानी कि ये क्या लिखा है, डज नॉट अमाउंट टू, क्या लिखो, श्योर सक्सेस फॉर्मूला इन द, क्या लिखा है, इन द लॉन्ग, लिखो इन द लॉन्ग रन। यहां पे क्या लिखा देखो, लास्ट लाइन, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इंप्लाइज द वर्च्यू दैट हेल्प्स द फर्म टू परफॉर्म बेटर देन इट्स राइवल। आप बेटर हो जाओगे, कोर कॉम्पिटेंसी में भी बेटर हो जाओगे, पर क्या लिखा है, रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्किल नॉलेज एक्सपर्टीज दैट इज हार्ड टू बी फॉलोड। हार्ड कौन, हार्ड टू बी फॉलोड है, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं, नहीं अभी कुछ दिनों के लिए आपकी चीज है वो, पर इन द लॉन्ग रन हो तो कोई ना कोई तो उसको चुरा के अपने पास लगे, तो आपकी वो एडवांटेज चली जाएगी। समझ आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? समझ में ना, अरे कॉन्सेप्ट समझा क्या? ये बता दो कौन सा स्ट्रेंथ है, इतना लिख दो, कौन सा फंक्शनल स्ट्रेंथ है, कौन सा फंडामेंटल स्ट्रेंथ है? अरे भाई अरिजीत सिंह की आवाज, फंडामेंटल है क्या फंक्शनल है? क्या आप बोलेंगे आसानी से कॉपी करके बताओ तो, आसानी से कॉपी कैसे होती, कॉपी होती नहीं ना, तो लिख दो फंडामेंटल आपके डीएनए में ही है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय समबडी एल्स, फंडामेंटल है वो आपसे जुदा नहीं हो सकती, कोई कोई उसको आसानी से चुरा नहीं सकता। और ये क्या है फंक्शनल, मतलब क्या अभी है फंक्शनल है, दो चार महीने तक, छह महीने तक, एक साल तक आपके पास, जब तक आपकी कॉम्पिटेंट एडवांटेज है, जिस दिन किसी ने कॉपी कर लिया तो बोलेंगे ये एडवांटेज आपका खत्म हो जाए, तो इसलिए लिख दो फंक्शनल स्ट्रेंथ। ओके थैंक यू सो मच गाइज, थोड़ा सा लेट तक चला, थैंक यू सो मच गाइज। अब पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट लॉ आपके सामने, आप सभी लोगों को बता दे रहे कहां पे आपको टेस्ट देना है, आपको वापस से बोल रहे टेलीग्राम पे जाएंगे, स्वप्निल पाटनी क्लासेस का चैनल होगा, वहां पे 101,000 को सब्सक्राइबर है, किसी और ग्रुप पे आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, वहां जाएंगे आपकी टेस्ट चलोगी। मैम आपका लेक्चर कब तक चलेगा? 1:45 तक, 2:15 से 90 मिनट्स, पौने चार तक कोई कॉपी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, यहां पे आप जितने लोग यहां पे यहां देंगे, और जितने लाइव स्ट्रीमिंग में, वो लाइव स्ट्रीमिंग में यूट्यूब पे आप अभी जाए, स्वप्निल पाटनी क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको पेपर उसी समय पे आएगा जब 2:15 को पेपर आपको मिलेगा, 2:15 को, आपने किससे पूछना नहीं, वहीं पे सवाल है, 4:15 की आपने ओके कर दिया या आपका पहले भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका 3:30 हो गया, तो मार्क्स तुरंत ही आपके डिस्प्ले हो जाएगी वहां पर, और वो आपको सही आंसर भी बताएगा, आपका आंसर ये होना चाहिए था, आपने ये लिखा है, और आपकी पढ़ाई हुई नहीं हुई डोंट वरी, जितना भी आपको आ रहा है लिखना है आपको। ओके कुछ डाउट है? 2:00 नहीं, 1:45 तो मैम करेगा ना, तो आधा घंटा आपको ब्रेक देंगे खाने के लिए, देन हाँ, तो 1:45 तक आप ले लेंगे, 2:15 तक, तो फिर आप वापस देना सर, अगर लाइव में एंजल, थैंक यू सर आपके लिए, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मैम, यू कैन स्टार्ट, यू वी आर स्टार्ट विद अनदर स्ट्रीम ऑफ सीए इंटरमीडिएट लॉ, ये स्ट्रीम अभी खत्म हो रही है, थैंक यू, बाय बाय। वो जो एग्जामिनेशन होगी उसमें आपके करेक्ट फोन नंबर वो सब लिखना जो भी है, वरना कुछ अलग जगह पे आपके मार्क्स जाएंगे, आपके मार्क्स आपके फोन पे जरूर आ जाएंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर मैम।